हाय गाइस, बात करेंगे आज निफ्टी का क्या व्यू रहेगा मंडे के लिए जो, और क्या ट्रेडिंग प्लान रहेगा इंट्राडे। तो सबसे पहले तो डेली चार्ट है। अगर आप डेली चार्ट पे देखो, ये कैंडल ने 10 डे सपोर्ट लिया, ठीक है। ये 10 डे मूविंग एवरेज है, 20, 50, 200, 10 डे मूविंग एवरेज है डेली पे। बट हम इसको बंद कर देते हैं, इसको मैं इतना देखता नहीं। जैसे आपने एक बार चार्ट से देख लिया, फिर एक बार कन्फर्मेशन लेने के लिए आप एमएस खोल सकते हो। अब सबसे पहले तो ये कैंडल क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पहले ये डिस्कस करेंगे। तो हर कैंडल एक साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंट करती है, बायर और सेलर की लड़ाई में कौन जीता। इस दिन बायर जीते, मैं बताता हूँ कैसे। मार्केट खुली गैप डाउन, मार्केट में सेलिंग आई, सेलर जीत रहे थे। बट जैसे ही मार्केट ने 250 क्रॉस करा, जो भी बायर्स थे 18,200, उन सबने मार्केट को ऊपर वापस खींच लिया और बचा लिया। अब पॉइंट आता है कि अब मंडे को क्या। मंडे को तीन ही चीज हो सकती है, या तो हम गैप अप ओपन होंगे या गैप डाउन ओपन होंगे। अगर मैं प्रीमियम प्राइसिंग ले जाऊं तो मार्केट प्राइसिंग कर रही है 200 पॉइंट का मूव, ठीक है। प्रीमियम देखो 200 पॉइंट है, लगभग 9,200 के आसपास। मेरे को क्या लग रहा है, मार्केट अब फंस चुकी है, थोड़ा सा साइडवेज होगी बुलिश होने से पहले, क्योंकि निफ्टी से ज्यादा बुलिश है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी की वीडियो देखने के लिए अगली वीडियो होगी, ठीक है। तो अब देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओ, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग में वॉल्यूम है। टूटते ही टूटा और फिर इंस्टेंट बाइंग आई है, फटाफट वापस 18,300 पे ले आए इसको। अब जब तक हम इसके अंडर है, 18,400 के अंडर, तब तक हम नीचे ही रहेंगे। बट मंडे को तीन सिनेरियो हो सकते हैं, गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग। तो तीनों डिस्कस करते हैं। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है तो मैं नॉर्मल बेयर, कोई डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लूंगा, नॉन डायरेक्शनल ट्रायंगल बनाऊंगा सेम प्राइस लेकर। सेम जैसे मान लो हम 18,300 पे खुलते हैं ना, तो 200 पॉइंट का मूव कर रही है, तो मैं 200 का 300 कर लूंगा, 18,600 बेच लूंगा, 18,600 बेच ली और नीचे ले 18,000 बेच ली, 16,15, ठीक है। ये 13,13 पे भी खुलेगी तो बेच लूंगा, मेरे को 2, 4, 5, 7 पॉइंट ही चाहिए मंडे को। मंडे दिन फेवरेबल नहीं होता मेरी स्ट्रैटेजी के लिए, ठीक है। मान लो मार्केट गैप अप खुलती है। अब गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर गैप अप खुल के मार्केट अच्छा प्राइस एक्शन बनाती है तो हम देख सकते हैं मार्केट एक बुलिश मूव बनाए, बुलिश मतलब एक बुलिश डे हो सकता है। बट मार्केट गैप अप खुल के फिर से सेलिंग अगर दिखाती है, मानो मार्केट यहाँ खुलती है 18,350 पर, फिर से सेलिंग दिखाती है, तो फिर से मैं साइडवेज टू कंसोलिडेशन में। देखो मेरा व्यू बेरिश नहीं है यहाँ से, क्योंकि अभी हम अच्छे खासे अप मूव में है, अभी हमारा ट्रेंड इंटैक्ट है। ट्रेंड को टूटने में टाइम लगेगा और कंसोलिडेशन जरूरी है मार्केट के लिए। अगर मैं वीकली चार्ट ले आऊँ, आपको वीकली चार्ट पे डोजी बनी है। डोजी रिप्रेजेंट ये नहीं करती रिवर्सल, डोजी रिप्रेजेंट करती कंफ्यूजन, कंफ्यूजन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स की कौन ज्यादा स्ट्रांग है। तो अभी कोई स्ट्रांग नहीं है, ठीक है ना। ये हैमर बनी थी, इसको हैमर नहीं, पहली बात तो हैंगिंग मैन बोलते हैं जब भी हम रेजिस्टेंस के पास होते हैं। बट देखो यहाँ पर कंफ्यूजन है पूरी की पूरी, ये अच्छी खासी बुलिश कैंडल और फिर कंफ्यूजन आनी शुरू हुई। अब इसके ऊपर निकले तो हो सकता है बुलिश मूव आए, बट मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्यों, कंसोलिडेशन एक हेल्दी अप मूव होगा। अप मूव आया, कंसोलिडेट करेगा, अप मूव आएगा, ठीक है। मार्केट इरेशनल नहीं चलती, मार्केट रैशनल चलती है। देखो अप मूव आया, कंसोलिडेशन हुआ, अप मूव आया, समझ गए। ये अप मूव, ये कंसोलिडेशन, ये अप मूव, ये कंसोलिडेशन, ये अप मूव, ऐसे ऐसे चलती है मार्केट। कोई भी ट्रेंड ऐसे चलता है, ट्रेंड ऐसे सीधा नहीं भाग जाता ऊपर एकदम से। तो यहाँ पे ना लॉन्ग है ना शॉर्ट है, यहाँ पे बेरिश नहीं ना बुलिश, यहाँ पे साइडवेज ट्रेड बनाना है, ठीक है। अब सिर्फ रिस्क मैनेज करना है मंडे को, और वही प्लान है अपना। थैंक यू।